हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2022-23 जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, डे एंड रेसिडेंशियल स्कूल, नर्सरी टू ग्रेड 7, दरभंगा समस्तीपुर रोड डीहलाही दरभंगा। देवरानी जेठानी कामी कॉम्प्लेक्स, मशरफ बाजार, सुभाष चौक दरभंगा, मेंस, लेडीज और किड्स वियर के साथ विंटर वियर, लहंगा, कुर्ती और शेरवानी। स्वाद ऐसा कि रहेगा याद, हंगर हैकर्स फूड फॉर एवरीवन, जामा मस्जिद के निकट टावर चौक दरभंगा, विभिन्न पार्टियों समेत हर आयोजन के लिए खास। ओपनिंग शॉर्टली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नकाब, नूर जहां एवं महारानी फैमिली कलेक्शन, मेन रोड मौलागंज दरभंगा। जीजे ज्वेलर्स, राजकुमारगंज मिर्जापुर दरभंगा, 25% तक की छूट मेकिंग चार्ज पर, डायमंड पर 20% का डिस्काउंट। नीट में सर्वाधिक रिजल्ट IITN और डॉक्टर्स द्वारा संचालित ग्रे मैटर खानका चौक दरभंगा लाया है जूनियर एंड जी सेक्शन। पटना में 14 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट का हुआ खुलासा, स्वर्ण आभूषण और नकदी के साथ 3 गिरफ्तार, SS ज्वेलरी लूट कांड का पुलिस ने खुलासा करने का किया दावा। पटना के बाकरगंज में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से हुई 14 करोड़ रुपए के आभूषण लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने स्वर्ण आभूषण और नकदी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, अन्य मामले के भी खुलासे होने की संभावना है। इस मामले में एक अन्य आरोपी वारदात के दिन ही लोगों के हत्थे चढ़ गया था। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 4,36,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। 6.5 किलो सोने को भी बरामद किया गया है। पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि बाकरगंज ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा हो गया है। इसमें 6.5 किलो सोना और 4,36,000 रुपए कैश की बरामदगी हुई है। उन्होंने बताया कि ज्वेलर्स मालिक के अनुसार 35 किलो सोने और 14 लाख कैश लूटने का आवेदन दिया गया था। इसको लेकर ज्वेलर्स मालिक से GST और IT की रसीद मांगी गई है। इस रसीद के आधार पर ही आगे की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे में लूट के बाद 4 आरोपी और 3 बैग के साथ एक झोला दिखा था। उसके आधार पर वारदात के दिन ही एक बैग और एक आरोपी को पकड़ लिया गया था। बाकी बचे 2 बैग जिसमें 6.5 किलो सोना और एक झोला जिसमें 4,36,000 रुपए थे, उसे बरामद कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक मामले में 9 किलो सोना और 4,36,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। अपराधियों ने तकरीबन 2.25 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। SSP ने कहा कि इस वारदात की साजिश SS ज्वेलर्स के मालिक के पहचान के ही एक व्यक्ति ने रची थी, जिसका नाम नीतेश है। वह भी जहानाबाद में एक ज्वेलरी शॉप चलाता है। उसने जहानाबाद में ही 2 व्यक्ति को लेकर इससे पहले SS ज्वेलर्स में रेकी की थी। घटना से 3 दिन पहले भी 2 व्यक्ति ज्वेलर्स के यहाँ आए थे और रेकी कर चले गए थे। इसके 3 दिन बाद ही घटना को अंजाम दिया गया। SSP ने कहा कि सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, सभी का आपराधिक इतिहास है। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 3 हथियार और चोरी की गई एक फॉर्चूनर गाड़ी को भी जब्त किया गया है। तो यह बड़ा खुलासा, इस वक्त पटना में 14 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा हो गया है। स्वर्ण आभूषण और नकदी के साथ 3 को किया गया है गिरफ्तार।